नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यादव पांडे। स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम प्रीपोजिशन आप के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो यहाँ जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसको समझाने के लिए कुछ रूल्स और साथ ही साथ उसके साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन रूल्स और एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम प्रीपोजिशन ऑफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसका पहला रूल क्या कहता है? ऑफ का अर्थ होता है, जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसका हिंदी में अर्थ होता है का, की, के। ठीक है, जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसका हिंदी में अर्थ होता है का, की, के। और इसका प्रयोग हम संबंध दर्शाने में करते हैं। जो प्रीपोजिशन ऑफ है इसका प्रयोग हम संबंध को दर्शाने में करते हैं। ठीक है, जो ऑफ है उसका हिंदी में अर्थ होता है का, की, के। और इसका प्रयोग हम संबंध को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हैं, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज पुअर। ठीक है, यहाँ पर जो गोल्ड है, गोल्ड मीन्स सोना, जो गोल्ड है वो किसके साथ संबंध दर्शा रहा है? रिंग के साथ। ठीक है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज पुअर, इस रिंग की जो गोल्ड है वो क्या है? प्योर है। ठीक है, तो गोल्ड का संबंध यहाँ पर रिंग से है, इस कारण से यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया गया है। ठीक है, गोल्ड का संबंध रिंग से है और यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, लिप्स ऑफ दिस ट्री आर ग्रीन। ठीक है, इस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो क्या है? ग्रीन है। तो यहाँ पर लिप्स, लिप्स मतलब पत्ते का संबंध किससे दर्शा रहा है? ट्री से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑफ है उसका हिंदी में अर्थ होता है का, के, की, और इसका प्रयोग हम संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं रूल नंबर सेकंड के बारे में। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? ऑफ का प्रयोग हम बीमारियों के नाम से पूर्व भी करते हैं। जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसका यूज हम बीमारी के नाम से पूर्व भी करते हैं। यदि मृत्यु का कारण बीमारी है तो उससे पूर्व ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि मृत्यु का कारण बीमारी है तब इस कंडीशन में हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, तथा अन्य कोई कारण है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि मृत्यु का कारण कोई बीमारी है तो उससे पूर्व हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं, और अगर मृत्यु का कारण कोई अन्य रीजन है, ठीक है, या मृत्यु का कोई अन्य रीजन है तो उसके सामने हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया। यहाँ पर मलेरिया क्या है? एक डिसीज है, एक बीमारी है, इस कारण से हमने मलेरिया के सामने प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया है। ठीक है, ही डाइड ऑफ मलेरिया, वहाँ मलेरिया से मर गया। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन। ठीक है, वहाँ भूखमरी से मरा। यहाँ पर जो मृत्यु का कारण है वो क्या है? स्टारवेशन अर्थात भूखमरी है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑफ का यूज ना करते हुए फ्रॉम, प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया है। ठीक है, समझ में आया है? आपका प्रयोग हम बीमारी के नाम से पूर्व भी करते हैं। यदि मृत्यु का कारण कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में जो बीमारी है उसके सामने हम प्रीपोजिशन आपका यूज करते हैं, या कोई अन्य कारण है, जो मृत्यु का कोई अन्य कारण है उस कंडीशन में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया। ठीक है, यहाँ पर मलेरिया क्या है? एक बीमारी का नाम है। ठीक है, तो इस कारण से हम मलेरिया के सामने प्रीपोजिशन, जो मलेरिया है उसके सामने हमने प्रीपोजिशन आपका यूज किया है। ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी। ठीक है, यहाँ पर स्टारवेशन कोई बीमारी नहीं है, इस कारण से हमने स्टारवेशन के सामने फ्रॉम का यूज किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रूल को जानते हैं। फॉन्ट के साथ हमेशा आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो फॉन्ट है उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपका यूज किया जाता है। आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। ठीक है,
फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन आपका यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ का अर्थ होता है काकी के, ठीक है, जो ऑफ है प्रीपोजिशन ऑफ है उसका हिंदी में अर्थ होता है काकी के। इसका प्रयोग हम संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज पुअर। यहाँ पर गोल्ड, गोल्ड का संबंध किससे है, रिंग से है, इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया गया है। लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर ग्रीन, ठीक है, जो पत्ते हैं उसका संबंध किससे है, ट्री से है, वृक्ष से है, इस कारण से हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया है। सेकंड रूल, ऑफ का प्रयोग हम बीमारी के नाम से भी पूर्व भी करते हैं। ठीक है, जो बीमारी के नाम है उसके पूर्व भी करते हैं। यदि मृत्यु का कारण कोई बीमारी है तो उस कंडीशन में प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। और अगर मृत्यु का कारण कोई अन्य रीज़न है या जो मृत्यु का कारण कुछ अलग है तो इस कंडीशन में प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ही डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया क्या है, एक बीमारी है, डिसीज है, इस कारण से हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया है। ही डाइड फ्रॉम स्टारवेशन, वहाँ भूखमरी से मर गया। स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, तो यहाँ पर स्टारवेशन क्या है, कोई डिसीज नहीं है बल्कि वहाँ क्या है, भूखमरी से मर गया, इस कारण से हमने यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जो फॉन्ड है उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो प्रीपोजिशन ऑफ है उसके बारे में कुछ रूल्स और एग्जांपल्स के माध्यम से पूरी या कंप्लीट रूप से जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां जो क्लास है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को यहां क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।